पहले चरण की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक कोरोना के खिलाफ दूसरे चरण के जंग में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का हथियार बेहद प्रभावी साबित हुआ। पिछले 24 घंटे के आंकड़े इसके सबूत हैं। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। इस दौरान संक्रमण के नए मामले 38,055 24 अप्रैल से घटकर 700 पर सिमट गए। इसकी तुलना में स्वस्थ होने वाले की संख्या रही है 2,840। कुल सक्रिय केसेस 15,600 पर आ गए। 30 अप्रैल को ये सर्वाधिक 3,10,000 के करीब थे। अब सिर्फ 3 मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर ही जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या 600 से अधिक है। मसलन बाकी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त होंगे। यही नहीं, इस दौरान किसी जिले से 100 से अधिक संक्रमण के नए केस नहीं आए। 2 जिलों से एक भी केस नहीं आया। 45 जिलों की यह संख्या इकाई में और बाकी में दहाई में रही। पॉजिटिविटी रेट लगातार सुधरते हुए 98% के करीब पहुंच गई। टेस्ट और टीकाकरण दोनों में मामलों में यूपी देश में नंबर एक पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जहां 5 करोड़ से अधिक लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,10,000 टेस्ट हुए। सरकार का पूरा फोकस अब टीकाकरण पर है। सीएम योगी ने अगस्त तक 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, लिहाजा युद्ध स्तर पर टीकाकरण की मुहिम जारी है। इस क्रम में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं।